अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायजा कुकिंग स्टूडियो। क्या हाल है आप लोगों के, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यम्मी और हेल्दी पुलाव की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए, मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखे, चावल लिए हैं मैंने 2 ग्लास। इस ग्लास के हिसाब से मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं और इनको मैंने धो के आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। उसके साथ वेजिटेबल में हम लेंगे आलू। मैंने लिया है तकरीबन ये 3 अदद दरमियाने साइज के आलू थे और इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। गाजर लेंगे 1 कप कटी हुई। गोभी दी है मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ये गोभी थी और इसको मैंने इस तरह काट लिया है। मटर लिए थे मैंने 1/2 किलो और जब इनको निकाला तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब मटर बचे हैं। उसके साथ हम ऑयल लेंगे 1 कप। प्याज ली है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की और इनको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 छोटा चम्मच। हरी मिर्च ली है मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद और एक हरी मिर्च को कट लगा के इस तरह लंबाई में 2 पीस कर लिए हैं। नमक हम लेंगे 2 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच और खड़े मसाले में मैंने लिया है जीरा 1 चम्मच। मोटी इलायची ली है 1 अदद। 3-4 अदद ली है लौंग। काली मिर्च ली है तकरीबन 6-7 अदद और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2 से 3 अदद और एक लिया है तेजपत्ता। तो चले मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना मत भूलें। तो पुलाव तैयार करने के लिए हम बर्तन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का सुनहरी करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जैसे हम लोग कोरमे वगैरह के लिए करते हैं वैसा नहीं करना, बस इसको लाइट सा गोल्डन करना है। ये देखें, प्याज जो है वो हल्की सुनहरी हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे तड़का लगाते हैं। तकरीबन 1/2 कप से भी कम मैंने पानी डाला है, सिर्फ प्याज को जो है वो तड़का लगाने के लिए। इससे ये होता है कि प्याज थोड़ा सा कलर छोड़ती है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताना भूल गई थी, उसके लिए माजरत, वो ये थी कि हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। तो टमाटर मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट में फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम टमाटरों को भुना लेंगे। अब हम इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। अच्छा, ये देखें, 2 से 3 मिनट में टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं। हमें टमाटरों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ये पुलाव में खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हम मसाले में तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि आलू थोड़े गल जाएं। फिर इसको कवर करके पकाते हैं तकरीबन 5 मिनट ताकि आलू थोड़े नरम हो जाएं। अच्छा जी, ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट में आलू मसाले के अंदर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आलू आधे पक भी गए हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर और इसमें डालेंगे मटर, इनको मिक्स करेंगे और इनको भी आलू और मसाले के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट में आलू, मटर और गाजरें फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे गोभी। आपने देखा होगा कि गोभी को मैंने बाद में डाला है, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी गल जाती है और हमें इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि पुलाव में सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती, खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हमें इसको खड़ा खड़ा रखना है। और गोभी को भी हम 2 से 3 मिनट तमाम वेजिटेबल के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखें, 2 से 3 मिनट में तमाम वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास, ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। 2 गिलास चावलों के लिए मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है और पानी में हम 2 उबाल आने देंगे। पानी में तकरीबन 2 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों का मैंने पानी उतार लिया। चावल डालने के बाद इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये भिगोए हुए चावल हैं, इनको बड़े एहतियात से मिक्स करें, ये जल्दी टूट जाते हैं। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें कटी हुई। आपने देखा होगा कि मैं हरी मिर्चें बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने हरी मिर्चों को भी खड़े खड़े रखना है और इनका फ्लेवर जो है वो पानी और चावलों के अंदर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर।
जिसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तब तक जब तक चावलों के अंदर जो पानी है वो चावल पी ना जाए और चावलों के अंदर पानी ड्राई ना हो जाए। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट में चावलों के अंदर जो पानी है वो तमाम ड्राई हो चुका है। और ये देखें चावलों में थोड़ी सी नमी है, बाकी जो इसका पानी है वो तमाम ड्राई हो चुका है। अब हम एक तवा लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे पुलाव को। पुलाव को हम दम पे रखेंगे, तो दम पे रखने के लिए हम एक टॉवल ले लेंगे या एक दस्तरखान ले लेंगे। और पुलाव को दम पे रखने के लिए हम इसके कवर को इस तरह दस्तरखान से लपेट लेंगे। अब हम पुलाव को कवर करके 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पहले के 10 मिनट हम फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे और 20 मिनट बाद हम पुलाव को चेक करते हैं, फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और पुलाव बहुत ही मज़े का बन गया है। और इस वक्त किचन से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह से पुलाव का कलर कितना प्यारा है ना। तो चावलों को हम साइडों से इस तरह से उठा लेंगे और माशाल्लाह से ये देखें हर वेजिटेबल का कलर कितना प्यारा आया है। इस तरह से चावलों को उठाते जाएंगे हल्के हाथों से। बस जी, ये देखें पुलाव तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये लें जी तैयार है मिक्स वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बना है माशाल्लाह से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।